आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें पढ़ेंगे नेविगेशन चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो ये जीपी रेटिंग के फाइनल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पर अपना भाई आपका नाम डाल दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपका भाई कितना सही करता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेविगेशन चैप्टर जीपी रेटिंग के फाइनल एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर एक क्वेश्चन दिया है, इन ए फॉग द रडार गिव इको ऑफ, फॉग में रडार देता है ईगो, कहाँ से, तो रडार मास्ट से, ठीक है। अप्रोचिंग शिप से नहीं देता है, रडार मास्ट से देता है, हाँ, यानी नंबर सी, नंबर सी इज़ द, हमको तो लग रहा है अप्रोचिंग शिप से देगा, हाँ अप्रोचिंग शिप सी होगा, ये तो रडार मास्ट होगा नहीं, नंबर डी। जीपीएस स्टैंड फॉर, जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता है ग्लोबल पोजीशन फिक्सिंग सिस्टम, ठीक है, यानी नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैं गलत करूँगा तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। नंबर तीन, ए पावर ड्रिवन वेसल, यानी जो जहाज़ होती है उसी को पावर ड्रिवन वेसल कहते हैं। अंडरवे एट नाइट विल शो द फ्लोइंग नेविगेशन लाइट, अगर कोई जहाज पावर ड्रिवन वेसल है तो उसमें कौन कौन सा लाइट हम लोग क्या करेंगे, तो जलाएंगे। तो नंबर डी, नंबर क्या हो जाएगा उसमें, मस्टर्ड लाइट होगा, साइट लाइट होगा और स्टर्न लाइट होगा, यही ना होगा भाई, तो नंबर ए इज़ द राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर चार पर, इन गुड वेदर ए सी वेसल शुड बी हेयर्ड ऑफ, अगर जहाज़ का कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर का वेदर अगर अच्छा हो तो जहाज़ का जो सिटी है वेसल वो कितने दूरी तक सुनाई दे सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 माइल्स तक, यानी 2 माइल्स तक इसको हम आसान से सुन सकते हैं। नंबर फाइव, द एल्डिस लैम्प इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन, एल्डिस लैम्प क्या होता है, तो मोर्स कोड के लिए होता है, आपको कैप्टन सर पढ़ाएंगे कि मोर्स कोड क्या होता है, ठीक है। नंबर फाइव, रूल फाइव रिक्वायर्ड एवरी वेसल एट द ऑल टाइम मेंटेन ए पावर लुकआउट, जो रूल फाइव होता है वो क्या बताता है, तो जो रूल फाइव होता है वो बताता है कि साइट एंड हियरिंग, अच्छा से देखो और सुनो तब जाकर कोई डिसीजन लो। नंबर सात, द हेडलेट लाइन आर कैविटी इन द बॉटम ऑफ द लीड, जो हेडलेट लाइन का कैविटी होता है, कैविटी वो बॉटम में क्या किसके पर्पज़ के लिए लगाया जाता है, तो डिटरमाइन ऑफ द नेचर ऑफ सी बेड, सी बेड का जो मिट्टी होता है उसे कैविटी में चिपक जाता है और बताता है कि सी बेड क्या है, माने समुद्र का मिट्टी कैसा है, ठीक है। नंबर आठ, जायरो कंपास इज यूज फॉर डिटरमाइन द, जो जायरो कंपास होता है वो किसके पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, तो ट्रू कोर्स मापने के लिए, यानी सीप का ट्रू कोर्स मापने के लिए। नंबर नौ, GPS गिव द पोजीशन ऑफ, GPS क्या होता है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताता है, यानी पोजीशन को फिक्स करता है, यानी नंबर ए। नंबर दस, ऑल राउंड लाइट शो बाय ए पावर ड्रिवन वेसल नॉट अंडर कमांड, जब वेसल नॉट अंडर कमांड हो तो कौन सा लाइट को हम लोग दिखाएंगे, तो नंबर सी हो जाएगा, 2 रेड लाइट इन ए वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 11 पर, टैकोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच डिस्प्ले, टैकोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या डिस्प्ले में दिखाता है, तो नंबर बी, रेवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द प्रोपेलर, प्रोपेलर कितना एक मिनट में कितना बार घूमता है वो बताता है। आर्क ऑफ विजिबिलिटी ऑफ स्टर्न लाइट, यानी पीछे वाले लाइट की एंगल और विजिबिलिटी कितनी होती है, तो 135 डिग्री होती है, नेविगेशन चैप्टर में हमने आपको पढ़ा दिया, जाकर आप देखें, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। नंबर 13, द प्रेसेंसेस ऑफ फॉग मिस्ट फॉलिंग स्नो हैवी रेन स्ट्रोम इज कंसाइडर एज, ये क्या करता है, तो रेस्ट्रिकेटेड विजिबिलिटी को लाता है, यानी आपका जो देखने की क्षमता होती है उसको कम करता है। GMDSS 21 ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, तो ये आपका फॉर डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी मैनेज मैसेज का सिग्नल देता है, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 15 पर, पर्पस ऑफ द हैंडलेट लाइन इज मेजर बाय द डेप्थ ऑफ ए वाटर, वाटर का डेप्थ ही तो मापता है ये। नंबर 16, डे सिग्नल फॉर वेसल कॉन्स्टेंट बाय हर ड्राफ्ट, जब वेसल कॉन्स्टेंट बाय हर ड्राफ्ट हो तो उसका डे सिग्नल क्या होगा, तो ये सिलेंडर शेप लटका दिया जाएगा, ब्लैक सिलेंडर शेप। नंबर 17,
ए कोर्स रिकॉर्डर इज रिकॉर्ड टू, जो कोर्स रिकॉर्डर होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, तो कोर्स स्टेयर्ड, यानी जितना स्टेयरिंग का कोर्स होता है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करते रहता है। नंबर 18, द डे टाइम सिग्नल फॉर द पावर ड्रिवन वेसल एट द एंकर इज ए ब्लैक। कहने का मतलब है कि डे में एंकर डाल के खड़े हैं तो हमारा डे सिग्नल क्या होगा, तो बॉल होस्टेड इन द फोक्सल पार्ट, यानी फोक्सल डेक में एक बॉल को, ब्लैक बॉल को लटका देते हैं। नंबर 19, द ऑटो पायलट यूज ओपन सी, ओपन सी में ऑटो पायलट लगा के छोड़ दिया जाता है, सिर्फ वॉच किया जाता है। नंबर 20, द ब्लिप्स फॉर द शॉट आर डिस्प्ले ऑन द, जो शॉट जो होते हैं डिस्प्ले पर वो कितने टाइम तक ब्लिप करते हैं, तो नंबर सी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर के रडार पर ब्लिप करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये। नंबर 21, ए कंपास बियरिंग ऑफ 4-5 degree मीन्स, जो कंपास का बियरिंग है 4-5 degree, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो इसके कहने का मतलब हुआ कि बियरिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये देखिए ये 45 degree कहाँ होता है, तो 45 degree यहीं पर होगा ना, तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में होगा, यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नंबर 21, इको साउंडर गिव द, जो इको साउंडर होता है वो क्या देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, डेप्थ ऑफ वाटर एंड द सीप बॉटम, सीप के बॉटम से क्या करता है, तो वाटर का डेप्थ बताता है, ठीक है। नंबर 23, इनरेस्टिकेटेड विजिबिलिटी ऑन द प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फ्लो बाई द टू शॉर्ट ब्लास्ट मीन्स वेसल। देखिए एक प्रोलॉन्ग ब्लास्ट और टू शॉर्ट ब्लास्ट होगा तो वो कौन सा सिग्नल देगा, तो नंबर सी, नॉट अंडर कमांड, यानी जहाज हमारी क्या है, तो नॉट अंडर कमांड है। ये साउंड सिग्नल, फ्लेक्स सिग्नल और डे नाइट सिग्नल होता है, ये आप पढ़ेंगे। फिनिश्ड विद द विल स्टैंड फॉर द, कहने का मतलब है ना कि जब मान लीजिए कि कोई आदमी फिनिश कर रहा है, ठीक है, यानी स्टेयरिंग को फिनिश कर रहा है तो क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा हेल्म सीम्स नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये ओरल में क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। अब देखिए एक लड़के को कॉल ही करना है, ठीक है, इनको मैसेज नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल ही पर बात करेंगे, देख लीजिए ऐसे ऐसे तो नमूने भरे पड़े हैं। नंबर 25, एन एनमोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स, जो एनमोमीटर होता है वो क्या देता है, तो ये आपका विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, यानी विंड का डायरेक्शन और स्पीड दोनों बताता है। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नंबर 26 पर, आर्क ऑफ विजिबिलिटी ऑफ साइड लाइट, साइड लाइट का आर्क ऑफ विजिबिलिटी जो क्या होता है, 112.5 होता है, यानी हम लोग का नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 27, इंटर कार्डिनल पॉइंट, देखिए कार्डिनल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होता है, इंटर कार्डिनल पॉइंट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है, और ये जो आपका होता है बाई पॉइंट होता है, तो नंबर ए इज द इंटर कार्डिनल पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। कंपास में, बॉक्सिंग ऑफ कंपास में सर आपको पढ़ाए होंगे। ट्रांसीवर इन एयर रडार कंप्राइज ऑफ, जो रडार होता है वो क्या करता है, तो नंबर डी हो जाएगा, बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीवर, ट्रांसमिट भी करता है और इसको रिसीव भी करता है, ठीक है। व्हाट इज बनवास, ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम, इसका पूरा नाम होता है, ये ब्रिज में लगा होता है कि आप ब्रिज में है कि नहीं, ये नहीं कि ब्रिज में आपको भेज दिया गया है आप इधर उधर मोबाइल चला रहे हैं, तो हर एक टाइम सेट किया जाता है, 10 मिनट या 5 मिनट में जाकर उसको सामने खड़ा होना पड़ता है या उसको क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा ब्रिज नेविगेशन वॉच अलार्म सिस्टम, यानी नंबर ए इज़ द राइट। अब आ जाते हैं नंबर 30 पर, जायरो ईरर इज कॉज ड्यू टू द, जायरो कंपास में जो ईरर होता है वो किसके कारण होता है, तो नंबर बी, वेयर एंड टीयर ऑफ द इट्स पार्ट्स एंड और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल्ट, यानी इलेक्ट्रिकल में फॉल्ट होगा तो ये होता है। नंबर 31, द चेंज ओवर ऑफ स्टेयरिंग फ्रॉम हेड टू ऑटो पायलट इज ऑलवेज डन, अगर स्टेयरिंग हैंड से ऑटो पायलट में डालते हैं तो ये किसके द्वारा डन किया जाएगा, तो नंबर बी, बाय द रेटिंग ऑन वॉच अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर ऑफ वॉच कीपिंग, यानी इसके सुपरविजन में किया जाएगा। नंबर 32, When a gyro compass reads higher than the true compass, the gyro error is name of the, ये gyro का नेम क्या हो जाएगा दोस्तों, तुमको लग रहा है नंबर बी हाई हो जाएगा, वैसे आप भी बताइएगा, मेरे को तो हाई लगता है। नंबर 33, एंड्रॉयड बैरोमीटर मेजर बाई, जो एंड्रॉयड बैरोमीटर होता है क्या मापता है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड एटमोस्फेयर को मापता है, यानी नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 34, पावर ड्रिवन वेसल ए एंड बी आर क्रॉसिंग एंड वन ऑन कोलिजन कोर्स एट द ओपन सी,
बी इज अ वन स्टार बोर्ड साइड ऑफ ए, व्हाट सेल ए डू, उस सिचुएशन में ए क्या करेगा। भाई बहुत घुमाव क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है तो नंबर डी होगा, अल्टर द कोर्स टू ए स्टार बोर्ड एंड पास द स्टर्न ऑफ बी, यानी नंबर बी। देखते हैं क्या होता है, आप लोग भी बताइएगा। नंबर 35, ड्यूटी ऑफ हेल्पमैन्स डज नॉट इंक्लूड, जो हेल्पमैन्स का ड्यूटी है इसमें से क्या नहीं करता है वो, तो कीपिंग लुक आउट व्हेन द हैंड स्टेयरिंग, स्टेयरिंग करते समय वो लुक आउट का ड्यूटी उसकी नहीं होती, उसके लिए स्पेशल आदमी को रखा जाता है। नंबर 36, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर और लार्ज क्रू शिप ऑन फॉर फॉक्सल डेक मेकिंग साउंड सिग्नल, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये बॉल होगा, एक बॉल को हम लोग क्या करेंगे, लटकाएंगे। नंबर 37, द चार्ट द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द वेदर टू मरीनर इज कॉल्ड, जो चार्ट में वेदर इंफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल चार्ट, ठीक है, मरीनर के लिए बनाया जाता है। नंबर 38, व्हाट इज द एक्शन टेकन बाय द टू वेसल एट सी फॉर पासिंग क्लियर व्हेन द आर वन रेसिप्रोकल कोर्स, इस सिचुएशन में हम लोग क्या एक्शन करेंगे, तो नंबर डी, ईच अल्टर हर कोर्स टू द स्टार बोर्ड, वो भी स्टार बोर्ड में कर लेगा और हम लोग भी अपना स्टार बोर्ड में कर लेंगे, तो दोनों पासिंग कर लेंगे। नंबर 39, ए सीप ग्रीन लाइट इज विजिबल फॉर द राइट अहेड टू, अगर ग्रीन लाइट विजिबल हो रहा है तो क्या होगा, द टू पॉइंट आफ्टर द स्टार बोर्ड बीम, ठीक है, ये आपको जब वॉच कीपिंग निकालोगे ना तो उस टाइम आपको सारे चीज़ बताए जाते हैं कैसे क्या करता है। लुक आउट ड्यूटी, लुक आउट ड्यूटी हम लोग की क्या होती है, तो नंबर सी हो जाएगा, स्टे अलर्ट एंड रिपोर्ट एनी सीप और लैंड ऑब्जेक्ट टू द ऑफिसर ऑफ वॉच कीपिंग, हम लोग को स्टेयरिंग नहीं करना पड़ता, इसमें सिर्फ हम लोग को बताना पड़ता है कि क्या क्या सामने हम लोग को दिखाई दे रहा है। आर्क ऑफ विजिबिलिटी ऑफ हेडलाइट, हेडलाइट की विजिबिलिटी 225 डिग्री, सबसे ज़्यादा इसी की विजिबिलिटी होती है, समझा देता हूँ। देखिए स्टर्न लाइट की विजिबिलिटी यानी पीछे वाली लाइट की 135 डिग्री होती है, और आगे और मॉस्टेड हेडलाइट की जो विजिबिलिटी होती है वो आपका 225, और जो साइड लाइट है उसकी 112.25 होती है, ठीक है, ये बातें याद रखिएगा। नाविक जो देखिए, एक जो जीपीएस सिस्टम नाविक का है, तो वो इंडिया के लिए नाविक है, ठीक है, ठीक है, और भी रसिया के लिए भी है, जापान के लिए भी है, तो वो आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। नंबर 43, ए पावर ड्रिवन वेसल अंडर वे वेन द फॉल्स टू अंडरस्टैंड द एक्शन ऑफ अदर वेसल, इस सिचुएशन में आपका एक्शन क्या होगा, तो नंबर सी, सेल शूट द एट लीस्ट 5 शॉट ब्लास्ट रिपीटेड ब्लास्ट वन द वेसल, 5 शॉट ब्लास्ट आपको रिपीटेड मारते रहना है, बों बों बों, समझ में। 44, पावर ड्रिवन वेसल ए एंड बी आर क्रॉसिंग एंड वन कोलिजन कोर्स ए, वही क्वेश्चन पीछे वाला ही क्वेश्चन पूछ दिया है, तो नंबर सी हो जाएगा, मेंटेन द कोर्स एंड स्पीड, स्पीड और कोर्स को मेंटेन करके चलेंगे। नंबर 45, इक्वेटर डिवाइड अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स विच इज द कॉल्ड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया है, इसको बोलते हैं हेमी स्फीयर, ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया। VHF सीप आर यूज फॉर द वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, जो VHF होता है उसका जहाज पर क्या यूज किया जाता है, तो नंबर बी, ट्रांसमिट एंड रिसीविंग वॉइस कम्युनिकेशन, ठीक है। नंबर 47, व्हाट लाइट आर ओवर टेकिंग वेसल कैन सी द वेसल बींग ओवर टेकन, क्या होगा, स्टर्न लाइट हम लगाएंगे ओवर टेकिंग करते समय, स्टर्न लाइट। नंबर 49, मैच द वर्ड कोर्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, क्या होगा भाई, सुटेबल आंसर नंबर डी हो जाएगा, हमको लग रहा है डिरेक्शन हो जाएगा, कोर्स में तो डिरेक्शन ही होते हैं ना। इन द फॉग रडार गिव इकोस ऑफ, जो फॉग रडार होते हैं वो कौन सा इको देंगे, तो अदर सी एज वेल एज वेल द लैंग ऑब्स्टक्स, ये देते हैं, ठीक है। नंबर 51, मेज द टर्न वन प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फॉलो बाय द 3 शॉर्ट ब्लास्ट, ये किस सिचुएशन में होगा, विद द मोस्ट सुटेबल आंसर, नंबर डी हो जाएगा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑन द स्टार बोर्ड, स्टार बोर्ड में अगर हम कोर्स को अल्टरनेट करेंगे तो ये करेंगे। नंबर 52, मेज द वर्ड रेस्ट्रिकेटेड इन द हर एबिलिटी टू मैनोवर, इस सिचुएशन में हम कौन सा सिग्नल देंगे, तो नंबर बी हो जाएगा, वन प्रोलॉन्ग ब्लास्ट फॉलो बाय द 2 शॉर्ट ब्लास्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 53, मेकिंग अवे थ्रू द वाटर, इसमें से कौन सा सिग्नल देंगे भाई, मेकिंग अवे ऑफ वाटर रहेगा, तो नंबर सी हो जाएगा, वन प्रोलॉन्ग ब्लास्ट एवरी 2 शॉर्ट ब्लास्ट। लास्ट देख लेते हैं, नंबर 54, मेज द टर्म टू शॉर्ट ब्लास्ट, टू शॉर्ट ब्लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, तो ये होगा अल्टरनेटिंग कोर्स टू द पोर्ट साइड, ठीक है, यानी नंबर ये हमारा हो जाएगा।
तो आई थिंक दोस्तों हमने ये पूरा करवा दिया, ठीक है, नेविगेशन चैप्टर का। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने कितना सही किया है, ठीक है। चलिए हम लोग अपना स्कोर देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने स्कोर डाला, व्यू स्कोर करते हैं, और तरीके 53 में 52, एक गलत हो गया। तो देखते हैं कि हम लोगों का कौन गलत है। हमको लग रहा है कि हम लोग किए ही नहीं होंगे, उसको स्किप कर दिए होंगे। देखिए टैकोमीटर हमने ये बोला था कि नंबर डी होगा, लेकिन हमने इसको मारा ही नहीं, ठीक है। 11 का डी होगा, रेगुलेशन पर मिनट ऑफ द एज। चलिए थैंक यू दोस्तों, तो मैंने आपको बना दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो व्हाट्सएप पर कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।